अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम दोबारा शुरू करने लगे हैं अपने वीडियो लेक्चर पे, जो कि हम पहले एमसीक्यूज के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैंने अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे एफएससी के जो लेक्चर्स हैं, एफएससी लेवल के लेक्चर्स को प्रोग्राम बनाया कि उनको अपलोड किया जाए बकायदा चैप्टर वाइज। तो आज मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अबाउट डिस्कस करने जा रहा हूं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सब्जियों में भी पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम हाइड्रेटेड कार्बन के नाम से जानते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं, इन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के नाम से भी जानते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूनानी जबान, ग्रीक लैंग्वेज सेक्रॉन से तशबीह दिया गया है। सेक्रॉन जिसका मतलब है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये स्वीट एंड टेस्ट भी होते हैं। क्या सारे होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और दूसरी चीज कि इनकी हाइड्रोलिसिस भी होती है, इनकी ब्रेकडाउन भी होती है, बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं, बड़े यूनिट्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, एनाबॉलिज्म के नतीजे में। वो प्रोसेस है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के, ब्रेक डाउन होके छोटे कंपाउंड्स बनाए, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। और ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों टाइप्स हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। क्या है, मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं। तो हम चलते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स में बात कर रहे थे। हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो सेक्रॉन की मौजूदगी की बुनियाद पर की जाती है। मतलब शुगर की मौजूदगी की बुनियाद पर की जाती है, सेक्रॉन की मौजूदगी की बुनियाद पर की जाती है। क्या अगर वो एक सेक्रॉन है तो मोनोसैकेराइड होगी, अगर एक से ज्यादा है दो सैकेराइड होंगे तो डाइसैकेराइड, तीन होंगे तो ट्राइसैकेराइड, चार होंगे तो टेट्रासैकेराइड। मतलब हम इनको सेक्रॉन्स की मौजूदगी की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं। द नंबर ऑफ सेक्रॉन्स विल बी प्रेजेंट देयर, द नेम ऑफ द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी फॉर्म। तो अब हम बाकी क्लासेस को छोड़ के पहले किस डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी क्लास मोनोसैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि एक सेक्रॉन अपने स्ट्रक्चर में रखते हैं, एक शुगर रखते हैं। सिंपल शुगर्स के नाम से पहचाने जाने वाले ये कार्बोहाइड्रेट है, एक सेक्रॉन रखती है।
इसीलिए एक सैक्रॉन की बुनियाद पर इसे मोनोसैकेराइड कहा गया है। एक सैक्रॉन की मौजूदगी की बुनियाद पर इसे क्या कहा गया है? मोनोसैकेराइड कहा गया है। अब ये अलग बात है कि मोनोसैकेराइड को हम आगे डिवाइड करते हैं, मगर मैंने कहा एक सैक्रॉन है, एक सैक्रॉन की बुनियाद पर मोनोसैकेराइड कहा गया। मैंने ये नहीं कहा कि वो मोनोसैकेराइड कितने नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल है, कितने नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल है, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि एक सैक्रॉन है, मतलब एक सैक्रॉन तीन कार्बन वाले भी हो सकती है, एक सैक्रॉन चार कार्बन वाले भी हो सकती है, एक सैक्रॉन पांच कार्बन वाले भी हो सकती है, एक सैक्रॉन छह कार्बन वाले भी हो सकती है, सो ऑन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हमें नंबर ऑफ कार्बन से लेना देना नहीं है, हमें किससे है कि अगर एक सैक्रॉन है तो वो मोनोसैकेराइड है, अगर एक सैक्रॉन नहीं है तो वो मोनोसैकेराइड नहीं है। एक सैक्रॉन होगी तो मोनोसैकेराइड है। अब ये जो मोनोसैकेराइड है, स्वीटन टेस्ट होती हैं, सिंपल शुगर्स होती हैं, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये पानी में सॉल्युबल हूं, ये पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं, ये एडो शुगर है, कीटो शुगर है। एडो शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए इनके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये कोई आयन है जो कि किसी मॉलिक्यूल में शामिल होता है, उसकी खासियतें चेंज कर देता है, उसका नाम चेंज कर देता है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप है। अब एडिटिव फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जब एक कार्बन क्या है, जब एक कार्बन, ये कार्बन मौजूद है, वो एक साइड से अपना डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बना रही हो, अल्फा कार्बन जो कि एक साइड पर अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रही हो, और दूसरी साइड पे कम से कम एक साइड पे, ठीक है, कम से कम एक साइड कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, मतलब कार्बन हो, दोनों साइडों पे कार्बन ना हो या एक साइड पे कार्बन हो, तो उसके नतीजे में हम उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर इसकी दोनों साइडों पे कार्बन मौजूद होगी तो वो कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर अल्फा कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, अगर उसकी दोनों साइडों पे कार्बन होगी तो वो कीटोनिक फंक्शन ग्रुप होगा, अगर उसकी एक साइड पे कार्बन होगी कम से कम जो है, तो वो क्या होगी, एल्डिहाइडिक जो है वो एल्डो ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो जिसमें, जिस मोनोसैकेराइड में, जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, वो एल्डो शुगर के नाम से जानी जाती है। जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटो शुगर के नाम से जानी जाती है। अब इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के अलावा, इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के अलावा और कीटोनिक फंक्शन ग्रुप के अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के साथ, इसी वजह से इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है, क्योंकि अगर फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाकी कार्बन के साथ अटैच है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, ज्यादा सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और अगर फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है देन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। अगर फंक्शन ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है और बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाकी कार्बन के साथ अटैच है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। मतलब एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, एक कार्बन के साथ कीटोनिक ग्रुप होगा, बाकी सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी वजह की बुनियाद पर इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा गया। क्या कहा गया है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से इनको जाना जाता है। अब ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, इनके जनरल फार्मूला क्या है? CH2ON ब्रैकेट में CH2ON, और इनमें वही रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वाटर में है। मतलब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पर रखें, ये चीज बता रहा हूं,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वही रेशियो इसमें पाई जाती है जो कि किस में पाई जाती है, वाटर में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वही है 2:1 रेशियो जो है जो कि वाटर में होती है, यहां पे भी वही रेशियो है। यही वजह है कि जिसकी बुनियाद पर इन कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो कार्बन जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही रेशियो रखते हैं, वही निस्बत रखते हैं आपस में जुड़ने की जो कि वाटर में होती है। अब इसको जनरल फार्मूला CH2O ब्रैकेट में आगे N है, क्यों है? N इज द होल नंबर, क्योंकि सब मल्टीप्लाई होगा। होल नंबर कैसे? जरा ये देखें, मैंने ये एक एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म लिखी है, ये एक कीटोनिक फॉर्म लिखी है। जरा इनमें देखें कि कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, तीन कार्बन है, मतलब होल नंबर कितना हो गया, 3। ट्राई होस्टेज है ना, हम आगे बाद में बात करते हैं। 3 नंबर हो गया होल नंबर। अब यहां पे अगर मैं इसको 3 नंबर डिवाइड करूं, बिलफर्ज ये 3 नंबर है, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ऑक्सीजन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, 3। हाइड्रोजन 2 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, कार्बन के साथ होगा तो कार्बन के 3, मतलब 3 कार्बन हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 3। तो जरा यहां पे देखते हैं, 1, 2, 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन कितने, 1, 2 और 3। तो लिहाजा ये जनरल फार्मूला इस पे फिट आता है, ये LD5 शुगर है। कीटोनिक में भी देखो तो कीटोनिक में देखो कितने कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 ऑक्सीजन, 1, 2, 3। तो क्या फिट आ रहा है ये जनरल फार्मूला जो है, इसलिए एक एन होल नंबर है, ये मल्टीप्लाई करता है ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, और कार्बन। तो ये चीज, ये मैंने यहां पे इस चीज को कीटोनिक और एल्डिहाइड दोनों को यहां पे आपको बता दिया है, उसको प्रूव किया है कि कैसे जनरल फार्मूला इन पे फिट आता है, इसीलिए तो इसको जनरल फार्मूला कहा गया कि तमाम तरह के कार्बोहाइड्रेट्स तो फिट आता है। और ये होल नंबर 3 नहीं हो सकता, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, ये अप टू 1000 हो सकता है, लेकिन जितना भी होल नंबर होगा वो इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके हिसाब से डिवाइड होते हैं, ठीक, उसके हिसाब से इनकी तादाद निकल आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन मोनोसैकेराइड्स को मजीद डिवाइड किया गया है, इनकी मजीद क्लासिफिकेशन की गई है कि वो मोनोसैकेराइड जो नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर डिवाइड होती है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, शुगर है, वो शुगर जो है वो सैकेराइड है, कार्बन नंबर 3 कार्बन पर मुश्तमिल है तो उसे ट्राइगोसिस कहेंगे, 4 है उसे टेट्रोसिस कहेंगे, 5 है पेंटोसिस कहेंगे, 6 है हेक्सोसिस कहेंगे, 7 है हेप्टोसिस कहेंगे। तो ये नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर मोनोसैकेराइड को डिवाइड किया है। ट्राइओसिस 3 कार्बन रखने वाली जो मोनोसैकेराइड है उसकी एग्जांपल ये कीटो फॉर्म में मैंने दिया है, एल्डिहाइड फॉर्म में दिया है, ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बताया, पाइरुविक एसिड, ये पाइरुवेट के नाम से। तो ये मिडिल कंपाउंड है रेस्पिरेशन का, मतलब जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, रेस्पिरेशन की जाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में इनको तोड़ा जाता है, तो ये 3 जो है कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको मजीद आगे या तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ले जाते हैं फर्मेंटेशन वगैरह में या एसिडिक फॉर्मेशन में, या फिर उनको क्रेब्स साइकिल में लेके जाते हैं, बाहर वो हम बाद की बात है। तो ये मिडिल कंपाउंड है किसका, रेस्पिरेशन का, ट्राइओसिस, तो जिनके स्ट्रक्चर मैंने यहां पे आपके सामने बना दी हैं। उसके बाद ये टेट्रोसिस 4 कार्बन वाली, ये रेयर है, ये बैक्टीरिया में पाई जाती है, नायाब किस्म की है। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटोसिस और हेक्सोसिस, 5 कार्बन वाली और 6 कार्बन वाली, जिनके स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, राइबोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन वाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पेंटोज 5 कार्बन वाली, राइबोज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने इनका रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, बारे में बाद में बात करते हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस 5 और 6 कार्बन वाली, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, क्यों, क्योंकि ये पेंटोज है, ये बहुत कॉमन है, ये राइबोज भी जेनेटिक एसिड में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज की शक्ल में पाई जाती है, आरएनए में ये राइबोज शक्ल की पाई जाती है, पेंटोज शुगर है, और ग्लूकोज जो है वो कॉमनली पाई जाती है जनाब, फ्रूट्स में पाई जाती है, उसमें
खजूरों में पाई जाती है, अंजीर में पाई जाती है, बरल ये कॉमन बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये ग्लूकोज जो है कॉमनली तैयार होती है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट के पास मौजूद होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट्स में। वो क्लोरोफिल क्या करता है, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और जो है वो वाटर की मौजूदगी में वो क्या करता है, उसको तैयार करता है ग्लूकोज में, मतलब CO2 की मौजूदगी में, H2O की मौजूदगी में वो तैयार क्या करता है, C6H12O6 तैयार करता है। लेकिन कब यह है, ये ग्लूकोज तैयार करता है, ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में तैयार करता है। अब फोटोसिंथेसिस 10 ग्राम जो ग्लूकोज है, 10 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको तैयार करने के लिए 717.5 किलो कैलोरीज सूरज की एनर्जी है वो चाहिए होती है। 10 ग्राम ग्लूकोज तैयार करना है तो 717.5 किलो कैलोरीज जो सूरज की एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, तब जाके जो है वो 10 ग्राम जो है ग्लूकोज तैयार होता है। कितना तैयार होता है जी, 10 ग्राम ग्लूकोज तब जाके जो है वो तैयार होता है। और हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हम जानते हैं कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हम कहते हैं जनाब की शुगर वगैरह होगी, डायबिटीज हो गई है, लेकिन हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल पाया जाता है, 0.08%। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है, 0.08% जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पाया जाता है। अब बात कर रहे थे कि ये पेंटोज शुगर, हमने कहा कि डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड, उसके बाद ये उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इस चीज को हमें देख के क्या लगता है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स में सिवा एक कार्बन के सबके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक्सेप्ट वन ऑफ द कार्बन, एक कार्बन के अलावा बाकी सबके साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर आप हेक्सोज शुगर में देखो, ग्लूकोज में भी, तो ये चीज आपको देखो कि ये एल्डिहाइड है फंक्शन ग्रुप, बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये कच्चे कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन में से एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है, बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। अब ये इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इस ओपन चेन में ये कन्वर्ट कर, जब इन ओपन चेन स्ट्रक्चर को पानी में डाला जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है, तो ये अपना रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे ये राइबोज जो है अपना रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर जब अपना रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो क्या बनाती है, राइबोफ्यूरानोज। राइबोफ्यूरानोज क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक रिंग है, मगर इस रिंग में सिर्फ 4 कार्बन हिस्सा लेते हैं। जब पेंटोज शुगर अपना रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो 4 कार्बन हिस्सा लेते हैं रिंग बनाने में, पांचवा स्ट्रक्चर जो है रिंग से बाहर है, पांचवी कार्बन, ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 4 जो है वो रिंग बनाने में इन्वॉल्व है। और ये रिंग जो है वो क्या है, होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इस रिंग में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, इसमें 4 तो कार्बन है और ये पांचवा जो है वो ऑक्सीजन है। ये इस वजह से कि जब कार्बन के अलावा कोई रिंग स्ट्रक्चर में दाखिल हो रहा है एलिमेंट, तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, वो एक हेट्रोसाइक्लिक जो है वो कंपाउंड होगा, जो कि जो एक्सेप्ट ऑफ मास वाई कार्बन के कोई एटम पाया जाए, तो इसीलिए राइबोफ्यूरानोज इसे कहते हैं, 5 कार्बन वाली जो है वो रिंग स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्लूकोज का जो है वो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है, जिसे ग्लूकोपाइरानोज के नाम से जानते हैं, जिसमें 5 कार्बन रिंग में इन्वॉल्व है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा बाहर है, और इसमें रिंग के अंदर 5-6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स में एक ऑक्सीजन है, बाकी 5 दूसरे हैं। तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ग्लूकोज की, हेक्सोज शुगर। ठीक है, तो इसके साथ हम हमारा जो है वो लेक्चर आज का एंड हुआ, हमने यहाँ पे बात की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना जो है वो मत भूलें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे
नेक्स्ट हम मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर के साथ, हम उसमें ग्लूकोज का जो है वो हम बात करेंगे किस पे, ओलिगोसाइट पे। अल्लाह हाफिज़।